अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अच्छे से और बहुत ही बढ़िया। अल्लाह करे कि आप खुश रहो, खुशहाल रहो। तो दोस्तों अभी बजे हैं दिन के बराबर 1:15। तो आज अचानक से मूड बना हमारा ट्यूलिप का, तो हम चल पड़ेंगे। तो बस आप वीडियो में भी बने रहिए, मैंने सोचा आपके साथ। तो ये हम अभी घर से निकले हैं, तो बाकी इंतजार कर रहे हैं उधर रोड पे, तो मैं वहां तक पैदल जाऊंगा और उसके बाद उनके साथ मिलके गाड़ी में जाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो बस आप वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, दिस इज तारिक सलाम और ये मेरा क्लास फेलो था। हम 8th तक एक ही स्कूल में पढ़े, तकरीबन नर्सरी से लेके। तो अचानक से इनसे मुलाकात हुई रोड पे, इन्होंने बोला कहाँ जाना है, मैंने बोला कि मुझे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं खुड़वनी में। उसने बोला चलो भाई मैं आपको वहां तक ड्रॉप कर दूंगा। स्कूटी राइडर बहुत मोटा बंदा है, है बहुत दिल वाला, इसीलिए कहते हैं ना फ्रेंडशिप इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर। सलाम देखो फादर ऑफ नेशन मोहतरम यावर साहब जनाब, माय बेस्ट फैन। ओ बादशाह नजर दियो बरादर। चलो भाई तुम चु ठीक मोहतरम, तुम चु गोच वर शुड़ आम सही। तो दोस्तों इस तरह से हम खुड़वनी से निकले हैं, अभी बाईपास पे चढ़े हैं जो नेशनल हाईवे है। तो अभी हम श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, तो इनका प्लान है ट्यूलिप गार्डन का। तो आप भी लीजिए मजे हमारे साथ, क्योंकि आज बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत सालों बाद आज हम इकट्ठे मिले हैं सब फ्रेंड, और जो ये पीछे बैठा है लोन साहब जो हाथ हिला रहा है, ये इतना काइंड बंदा है पूछो मत भाई। इन्होंने कॉल की, बोला कि अगर आप नहीं आओगे तो फिर हम जा नहीं सकते, तो मुझे फिर कन्फर्म आना पड़ा, वरना घर में बहुत ज्यादा काम था। तो मैंने काम छोड़ के सीधा इनको एक्सेप्ट किया। तो भाई हम पहले कुछ ड्रिंक लेंगे, इन्होंने शायद ड्यूक रखी है। ओ हो माजा भला आई नमत लीटर अच्छा लगन टैंकी जनाब, तो वो हम पी सकते हैं अच्छे से। तो चलिए फिर आप ये ओपन कीजिए, गुड़ चुम त्रेज नाम पद गो साल वन बजे बराबर तकरीबन डोड़, तो वो कस बजे तम वात अवश्य। तो बस आप वीडियो में बने रहिए, पहले आप रोड का नजारा लीजिए। यूट्यूब कनेक्ट हो आराम से दिलदार। तो फ्रेंड्स सभी बस 5-10 मिनट लगेंगे हमें ट्यूलिप गार्डन तक। सिटी में तो हम एंटर हो चुके हैं, अभी हम सिटी में ही चल रहे हैं। तो ये रोड जो है सीधा ट्यूलिप गार्डन की ओर जा रहा है, तो बस इसी रास्ते पे हम अभी है जनाब। ये है हमारे कश्मीर का मशहूर डल, वाओ बहुत खूबसूरत है। चोन प्यार मदनो सीरुस जिंदगी गई विजार, मिच चोन प्यार मदनो अकेलटी नाच दिलदार। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था, और देखिए बंदा कहां से निकल रहा है अपने साइड से
निकल नहीं पाया क्योंकि गाड़ियां बहुत हैं और रश भीड़ इतनी ज्यादा, पूछो मत। तो फाइनली गाड़ी पार्क हमने कर दी है। बड़ी मुश्किल से जगह मिली, ऊपर से 200 मांग रहे थे। आज यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा रश। तो आइए एंटर, माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच गए हैं। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। ये उस वाहिद ज़ात अल्लाह पाक की है जिसने इन फूलों को इस तरह से संवार के रखा, सजा के रखा है। और बहुत बढ़िया, हम पहली बार यहाँ विज़िट कर रहे हैं आज, तो दिल खुश हुआ है यहाँ के। बहुत अच्छा है, जितनी तारीफें की उतना कम। आप देख सकते हो भीड़ भी कितनी है कि पूछो मत। तो लीजिए आप थोड़ा सा आपको नज़ारा कराते हैं कि यहाँ कितने लोग आए हैं आज, क्योंकि तकरीबन हम 2 से 2.5 घंटा हम जाम में फंसे थे। बिल्कुल जाम था, एक इंच भी गाड़ी नहीं हिल पाई, इतना जाम था। और ऊपर से जब पार्किंग पे गए थे तो तकरीबन 7-8 जगह से हमें निकाला गया, बोला कि यहाँ पे नहीं है, तो आप नेक्स्ट जगह किसी जगह जाके देख लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पार्किंग बची नहीं है, कोई गाड़ी शाड़ी यहाँ पे नहीं आएगी। तो एट लास्ट फिर जब बहुत देर हुई थी तब हमें एक जगह, छोटी सी जगह मिली, वहां जाके हमने गाड़ी को पार्क लगा दिया है। तो अब इस साइड भी आप थोड़ा सा देख सकते हो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, दिल खुश होता है यहाँ के। आप देख लीजिए, वाह, बहुत खूब। देर से आए लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ के। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया है, बस खाली हमने सोचा कि पहले एंट्री यहाँ हमारे यहाँ देखें, पहले 1-2 मिनट यहाँ बिताए, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, और एक पॉइंट का नज़ारा, यहाँ पे खूब मस्ती। इतना एंजॉय किया आज हमने, इसकी स्पीड बढ़ती है बीच बीच में तो बहुत मजा आता है। फिर ये देखो हाथ में पानी, बहुत बढ़िया। जो यहाँ नहीं आया अभी तक, जो यहाँ नहीं आया उसको एक बार जरूर यहाँ आना चाहिए, यहाँ की एंजॉयमेंट लेनी चाहिए। बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ आके, तो सब थकान दूर हो जाती है, जो ट्रैफिक में थकान, ट्रैफिक में जो हम फंसे थे, बुरा हाल हुआ था पूरा। तो जब हम यहाँ एंटर हुए तो वो थकावट सारी दूर हो गई और बहुत मजा हमने यहाँ किया है, बहुत एंजॉय किया है आज। तो अल्लाह ने किस्मत में रखा था ये दिन, वरना हम नहीं देख पाते, वरना हम नहीं आ पाते, क्योंकि फिर और कामों में इंसान मसरूफ रहता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, स्पीड देखो अब पानी की, स्पीड देखो। तो लोग फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन का हमने अच्छी तरह से नज़ारा लिया है, चारों तरफ हम घूमे और बहुत ही मज़ा आया, और फ्रेंड्स ने भी बहुत एंजॉय किया, और इनके साथ साथ मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि मैं पहली बार आया था यहाँ विज़िट करने, तो बहुत अच्छा लगा। तो जो जो नहीं आया है वो एक बार ज़रूर आए और यहाँ का जो ये नज़ारा है अच्छी तरह से देख ले। तो बाकी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापसी के लिए। तो अभी तक हमने
खाली चाय भी नहीं पी है कसम से। तो बाहर जाके पहले किसी जगह ऐसे रेस्टोरेंट में जाके पहले चाय शाय या कुछ नाश्ता वाश्ता लेंगे तो उसके बाद फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों ट्यूलिप गार्डन द्राई फाइनली वे असल पा पसंद पे बड़ मज़ लोग खुश गो दिल योर तो वह आई अस हंद वालस नीश बिल्कुल मे दू गोड़ खेमो हंद वंद तम पत वो बेसा तो अदीबा तो फ्रेंड्स इनका मूड बना पहले बिरयानी का तो पहले बिरयानी खाएंगे उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। पनीर करना प्याज करना पालक करना पनीर। तो इस तरह से हम आ गए हैं निषाद बाग में। यहाँ भी खूबसूरती लाजवाब बहुत बढ़िया खूबसूरती यहाँ की पूछो मत कितना मजा आया आज। हमने सोचा था घर जाएंगे जब गाड़ी में चढ़े तो इन्होंने बोला कि अब घर नहीं अब चलते हैं पहले निषाद और तुम तो मतलब टूरिस्ट तिहद सोन जद यकजे बेचन तवे मूज कल वाले भैया आजा आजा एक बार साहब यहाँ गिनो हम कितने बंदे थे आज यहाँ। और ये जो है सब सारे मामले की जड़ यही है यार सब कुछ दो रोल नंबर 3। ओके ओके तो फ्रेंड्स देखिए सूरज डूबते हुए बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत यहाँ पे सूरज गुरूब होते वक्त ये व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। मेन रोड पे यावर साहब आप कहाँ जाना है जनाब? आप जाना है सीधे घर। बिल्कुल तो भाई लोग आज बहुत मजा आया बहुत एंजॉय किया। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली घर पहुंच गए बहुत मजा आया और बहुत एंजॉय किया आज। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन गया है आज का तो उसके लिए सॉरी। तो बस चलिए आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से खुदा हाफिज।